गंगानगर थाने में रिटायर्ड फौजी ने दिल्ली पुलिस के दरोगा समेत 7 लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि बेटी की पत्नी और अपने परिवार के साथ घर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची, जान से मारने के नियत से मारपीट की गई, साथ ही सेफ में रखे 74,000 रुपये, सोने की चैन, अंगूठी तथा मंगलसूत्र निकाल ले गए। उससे पहले रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पारिवारिक विवाद में दोनों तरफ से क्रॉस FIR की गई है। गंगानगर के गंगाधाम निवासी रिटायर्ड फौजी कृष्णपाल ने बताया कि वह घर पर बैठे हुए थे, तभी दिल्ली पुलिस के दरोगा आकाश दीप उर्फ गोलू पुत्र राजपाल सिंह, उनके बेटे की सास विमला देवी पत्नी गजपाल, प्रीति पुत्री गजपाल, प्रीति के पति पुनीत, सुधा देवी पत्नी कृपाल सिंह, निवासीगढ़ मोहल्ला शांतिनगर थाना कोतवाली बुलंदशहर, दीपिका सिंह पुत्री योगेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला तिलक नगर आरा मशीन BHEL झांसी घर पर आए। सभी लोग दो कार में सवार थे। घर का दरवाजा बंद था जो आकाशदीप और पुनीत तथा प्रीति ने मिलकर तोड़ दिया। उसके बाद सेफ में रखे 74,000 की नकदी, सोने की चैन, अंगूठी तथा मंगलसूत्र निकाल कर ले गए। विरोध करने पर कृष्णपाल की पत्नी नरेशवती के गले में दुपट्टा डालकर मारने का प्रयास किया। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गए। उसके बाद UP 112 पर कॉल कर मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने सभी आरोपित के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गजपाल की तहरीर पर कृष्णपाल और उनकी पत्नी समेत 4 के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस दोनों ही मुकदमे में निष्पक्ष जांच कर रही है। रिटायर्ड फौजी कृष्णपाल के दोनों बेटे सेना में अफसर हैं। एक बेटा रवि तोमर सेना में सूबेदार है, उसकी तैनाती कश्मीर में है। दूसरा बेटा कपिल तोमर सेना में मेजर है, उसकी तैनाती जम्मू में है। रवि की शादी 12 साल पहले प्रिया से हुई थी। उनकी 9 साल की बेटी भी है। कपिल तोमर की शादी 1 साल पहले दीपिका से हुई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पत्नियां अपने परिवार के साथ घर पर पहुंची थी, इसी को लेकर रविवार को मारपीट हुई। दोनों की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष विवेचना करेगी। क्या आपका नाम है और कहाँ आपकी तैनाती है? क्या आपके मम्मी पापा के साथ यहाँ पर घर में हुआ है? उस वक्त आप कहाँ थे? मेरा नाम मेजर कपिल तोमर है। मैं सेना में एक अधिकारी हूँ और इस समय जम्मू में तैनात हूँ। और मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे पिताजी भी सेना से रिटायर्ड हैं, ये इस समय मेरठ में रहते हैं, गंगानगर में। और हाल ही पिछले दिनों में ऐसी घटना घटी कि जो मेरे भैया के ससुराल वाले हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में आकाशदीप चौधरी, वो अपने साथ और कई लोगों को लेके भैया मेरी भाभी और मेरी पत्नी को बिल्कुल यहाँ पे मेरे घर पे लाए। उन ये पता होते हुए कि दोनों भाई घर पे नहीं और माता पिता अकेले हैं, घर पे आके उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ फोड़ करी, घर का सामान तोड़ फोड़ किया, घर से बहुत सारे पैसे और जेवर जो हैं चुरा के ले गए और मेरे माता पिता के साथ इस तरह से मारपीट करी कि उन पर जानलेवा हमला किया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। सेना में अधिकारी हैं आप, कितनी सुनवाई थाना पुलिस मेरठ की अगर हम बात करें तो कितनी सुनवाई कर रही है मेरठ पुलिस आपकी? मुझे इस बात से बड़ा दुख है कि हम एक ही वर्दी पहनते हैं, उसके बावजूद भी मेरी कई गुहारों के बाद भी जो लोकल थाना पुलिस है उन्होंने जो भी धाराएं लगाई हैं वो मेरी कंप्लेंट के अनुसार नहीं लगाई हैं और कोई सख्त या कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे जो मेरठ के कप्तान साहब हैं उनसे जाके गुहार लगानी पड़ी, जिसके बाद मेरी FIR दर्ज हुई। उससे पहले मेरी FIR भी दर्ज नहीं हो रही थी और FIR दर्ज होने के बाद से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संगीन धाराएं होने के बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। क्या लचर व्यवस्था मानते हैं? क्या आपका डिपार्टमेंट भी इसमें कुछ मदद कर रहा है? मेरा डिपार्टमेंट इसमें स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने हर तरीके से मुझे सहायता का आश्वासन दिया है और इस समय मैं यहाँ पे हूँ। जैसे ही मैं अपनी यूनिट में वापस पहुँचता हूँ, उन्होंने ऑलरेडी कुछ चिट्ठियाँ निकाली हुई हैं और ये बताया गया है कि इसमें हर मुनासिब तरीके से मेरी मदद की जाएगी और इस केस को मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से हल्का नहीं छोड़ा जाएगा। अभी मेरठ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? जी, इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि मेरठ की पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और केस में बड़ा ढीला बर्ताव चल रहा है। मेरे माता पिता जो हैं वो वृद्ध आदमी हैं और उनके खिलाफ गलत और संगीन जो उन्होंने जुर्म है, जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, जिसको पुलिस ने स्वीकार भी किया हुआ है। भाऊ जी, क्या आपका नाम है और क्या आपके साथ घटना घटी है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह तोमर है और यहाँ पर एक बड़े बेटे की ससुराल वाले आए और छोटे बेटे की भी धर्मपत्नी आई, सब ने इकट्ठा होकर मेरे ऊपर और मेरी मिसिज के ऊपर सब ने मारपीट की, बहुत ज़्यादा मारपीट की और हमारे घर से जेवर और रुपये निकाल गए, 74,000 रुपये निकाल के ले गए। हमारा गेट तोड़ा और बहुत काफ़ी हंगामा किया, बोला जान से मारेंगे।
मेरे गले में भी मतलब रस्सी ने मेरे गले में गला दबाया मेरा, और मेरी पत्नी का उनके चुन्नी से गला दबाया, और ये देखिए जान से मार देंगे, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आए में आए। कितने लोग थे लगभग जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया है, क्या क्या नुकसान हुआ है और किस किस को चोटें हैं? तो वो करीब छः सात आदमी थे वो, उसमें दो जेंट्स थे और बाकी लेडीज थी, और सभी ने मारपीट की। अब इसके बाद में जो मारपीट के हमारे बड़ी मुश्किल से हमारे घर में ऊपर ही हमारी साड़ी रहते बच्चों के साथ में आवाज़ सुनकर वो दौड़ कर आई, उनको भी धक्का दिया, फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोड़ा कर दिया, मेरी तब भी धक्का देकर उसको भी धक्का देकर हमें धक्का देकर नहीं मारपीट की। थाना पुलिस से आपने शिकायत की, थाना पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की, दो तीन दिन काफ़ी भाग दौड़ की, भाग दौड़ करने के बाद में SSP के साहब के ऑर्डर के मुताबिक हमारी FIR दर्ज हुई। अभी क्या कहा? वो अभी हमारी जो कम्प्लेंट है उस कम्प्लेंट के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हुई। कुछ बताया जा रहा है कोई दिल्ली पुलिस का दरोगा भी था इसमें शामिल? उसमें था ये आकाशदीप चौधरी, वह दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उनके पिता के नाम जगपाल सिंह है, और वो पूरी पार्टी के साथ दो गाड़ी भर कर ले गया था वहाँ से, दो कार में आदमी थे। उसी ने मारपीट की? उसने मारपीट की, उसके बहनों ने मारपीट की, उसकी छोटी सिस्टर ने मारपीट की, दूसरी सिस्टर ने मारपीट की, उसकी मम्मी थी, उसकी मौसी थी, उसकी मौसी की बेटी थी, ये सब उसमें शामिल थे। पुलिस ने जो धाराओं में मुकदमा दर्ज किया उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उनमें धाराएं 395, 397 लगाई, जो हमारी कंप्लेन में थी उसमें 307 भी होना चाहिए और दूसरी धारा भी होना चाहिए, वो धाराएं उन्होंने अभी तक दूसरी अभी ऐड नहीं किया इसमें। उसके लिए हम दोबारा भी SSP साहब के पास गए, वो बोले कि होगा लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, थाना ट्रांसफ़र कराने के लिए गए हम अपने केस को दूसरे थाने में, लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मैं आश्वासन दिया कि हो जाएगा, लेकिन आज की डेट तक कुछ नहीं हुआ अभी तक।